हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कुछ नया बनाने चल रहे हैं। ये हम एक कटोरी चावल लिए थे, इसको धुल लिए हैं। अब इसको हम मिक्सर में पीसेंगे। ये हम चावल पीस लिए हैं मिक्सर में, देखिए इस तरह से। ये हल्का सा, ये देखिए दरबरा है। और हम आलू कद्दूकस किए हैं मन। ये आलू बहुत बारीक कद्दूकस हुआ है, इसको हम अच्छे से धुल लिए हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे। इसमें थोड़ा सा हम इतना सूजी मिलाएंगे, आधी कटोरी से कम। ये हमारा हरा धनिया है और ये मिर्चा। मिर्चा कम लगा। ये थोड़ा सा हम हल्दी मिला रहे हैं। अब इसको हम सब मिलाएंगे। ये हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला मिला रहे हैं। ये मिर्चा हम लाल वाला मिला दिए हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला रहे हैं। इसको हम सब मिलाएंगे अच्छी तरीके से। सब मिला के हम इसको थोड़ा सा रख देंगे ताकि ये फूल जाए हमारा अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसको तेल में चल रहे फ्राई करने। ये एकदम नए तरीके से नई डिश है, बहुत कुरकुरी और बहुत सॉफ्ट होती है। ये हमारा फूल गया है, 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम चल रहे हैं तेल में डालने। चेक कर लेते हैं, तेल हमारा गर्म हो गया है हल्का सा। अब हम इसको डालेंगे बना के, ऐसे लेंगे हम, इस तरफ से गोला कर लेंगे। इसमें हम होल बना दिए, अब ऐसे हम डाल दे रहे हैं। इस तरीके से हम डाल रहे हैं। इसको हम धीमी आंच में पका रहे हैं। ये देखिए पलट दिए हैं, हमारा ये धीमी आंच में पक रहा है थोड़ा सा। और ये हमारा पक रहा है, इसको हम निकालने वाले हैं। बन गया है, निकाल लिए हैं। अब हम और बनाने चल रहे हैं। ये हमने गोला कर लिया है, इसको हम पानी लगा के हल्का चिकना करेंगे। इसमें हम होल करेंगे। ये हमारा बन गया है इस तरह से। इसको हम डेकोरेट करेंगे। ये मेरा नई रेसिपी बनके तैयार हो गया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और कुरकुरा भी है। ये चावल और सूजी आलू से बना हुआ है। इस तरह रेसिपी आप भी बनाइएगा। मेरा अगर तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।